अगेन वी आर बैक ऑन एक बुन सोच की टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट विद अ सीरीज ऑफ एंड दमदार पंचेस विद डॉक्टर सतीश मोद. सर वेलकम टू दिस एपिसोड. डॉक्टर सतीश मोद इज अ इंडियन ऑथर, इंडिपेंडेंट रिसर्चर एंड द प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड वेरियस रिटन वेरियस बुक्स. आई थिंक द नाइन दमदार पंचेस विच वेंट लाइव, आई थिंक इट वॉज लाइक बाई द टारगेट ऑडियंस. सर नाउ विद द डिमांड फ्रॉम अ टी टॉक ऑडियंस, लाइक आई वुड लाइक टू नो लाइक how one can identify a role model for making his career like since childhood. main hindi mein bolu to zyada acha hai. bachpan se hi hamare role model hamare samne aane lagte hain. jab hum chote rehte hain, kisi chote bacche se pucho ki aapka role model kaun hai, to sabse pehle apne pita ki taraf batata hai, kyunki pita jo hai wo uske sabse bade role model hote hain. क्योंकि जो कुछ भी उसको करना होता है, उसको दिशा देने का काम वो पिता करते रहते हैं. तो करीब 14, 15, 16 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो उसको पूछेंगे तो बोलेगा मेरे पिताजी रोल मॉडल है. वो बात अलग है कि 16 साल की उम्र के बाद में दुनिया और देखने लगते हैं और उसको समझ में आने लगता है, तो सबसे अधिक झगड़ा भी वो पिता से ही करने लगता है, उससे डिसएग्री करने लगता है. फिर यदि उसको आप पूछेंगे कि आपको पत्नी कैसी चाहिए, तो सबसे पहला अधिकतर आपको जवाब मिलेगा कि जैसी उसकी माँ है ना, वैसे ही उसको पत्नी चाहिए. तो ये माता पिता जो हैं वो बचपन से जब बच्चे को ख्याल रखते हैं, तो बहुत उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारे रोल मॉडल है. जो उनका स्वभाव जो है, जैसा माँ खाना बनाती है, वो उनके लिए एक रोल मॉडल हो जाता है. लेकिन 16-17 साल की उम्र के बाद में जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ हम जाते हैं और आगे पढ़ाई करना शुरू करते हैं, एक निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो उसमें भी रोल मॉडल हमको बहुत प्रभावित करते हैं. जैसे कि यदि कोई है, उसके कोई चाचा हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं अच्छी, तो उसको लगता है कि बड़ा होकर के मुझे चाचा की तरह पैसे कमाना है. या यदि किसी के कोई मामा हैं, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, वो देखता है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और पुलिस वाले सैल्यूट कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि अरे नहीं नहीं ये बंदा चाहिए. तो धीरे धीरे उसके रोल मॉडल जो है वो माता पिता से शिफ्ट होकर के अपने आसपास के जो नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं या अपने जो दोस्त हैं उसके जो माता पिता हैं, वो उनके रोल मॉडल बनने लगते हैं. लेकिन ये रोल मॉडल जितने भी हैं वो सारे एक तरह से कल्पना की दुनिया में रहने वाले रोल मॉडल हैं. क्योंकि 20, 22, 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को ये समझ में आने लगता है कि मेरी योग्यता क्या है, किस दिशा में मैं अच्छा काम कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए. उस समय यदि उसको सही रोल मॉडल मिले तो उसका जीवन और आसान हो जाता है. जैसे कि यदि कोई क्रिकेट खेलने वाला है और उसको रोल मॉडल चाहिए, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बनना है, या महेंद्र सिंह धोनी जैसा मुझे कैप्टन बनना है या विकेट कीपर बनना है. कोई फुटबॉल खेलने वाला होगा तो कहेगा मुझे पेले जैसा फुटबॉल प्लेयर बनना है. तो अपने आसपास जिस विषय में हमारी रुचि रहती है वो शुरू शुरू में उतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपनी रुचि के हिसाब से हमको रोल मॉडल दिखाई देने लगते हैं, और वही आपकी जीवन की यदि दिशा हो तो आप जीवन में बहुत तरक्की करने लगते हैं. लेकिन जो आपने रोल मॉडल आइडेंटिफाई की और उसको केवल एक रोल मॉडल बना करके ही रखा, लेकिन पीयर प्रेशर में या अपने दोस्त के कहने के ऊपर आपने अपनी दिशा बदल दी, और फिर आपने देखा कि अरे आपको बनना था म्यूजिशियन लेकिन आप पढ़ने में अच्छे थे और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, पढ़ने में अच्छे थे, शायद IIT भी कर लिया और बाद में इंजीनियर बन गए, लेकिन पूरी ज़िंदगी में कसक रह जाएगी कि अरे मैं बहुत अच्छा सिंगर बन सकता था, बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैं आपको नाम नहीं भी बताऊं तो भी आप समझ जाएंगे कि IIT से पास किए हुए, IIM से पास किए हुए अच्छे बड़े बड़े लोग बाद में लेखक बन गए, क्योंकि उनको शुरू शुरू में लग रहा था कि IIT IIM करना उनका रोल मॉडल है, ऐसे उन्होंने देखे होंगे. लेकिन जब उनको अपने स्वयं के बारे में ध्यान में आया तो उन्होंने वैसी किताबें पढ़ी और अपने रोल मॉडल बदलते गए. तो ये बड़ा आवश्यक है कि अपनी छोटी उम्र से ही यदि हमको अपने संस्कार के द्वारा, अपने आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा यदि सही रोल मॉडल यदि हमको दिखाई देने लगे और उसको हम फॉलो करने लगे,
तो आगे जा करके जो हमको ज़िंदगी में कई बार स्ट्रेस होता है, कई बार हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे हम बच सकते हैं। और अपने यहाँ तो इसीलिए हम जो जितने देवी देवताएं हैं वो एक तरह से रोल मॉडल ही हैं। कोई शक्ति की उपासना करने वाला है, कोई धन की उपासना करने वाला है, कोई भक्ति वाला है, तो हमारे जिस तरह का स्वभाव है उस तरह के हमको भगवान पसंद आते हैं, तो उसको यदि हम रोल मॉडल मान करके चलें तो भी हमारा जीवन आसान हो जाता है। किसी को शूटिंग पसंद है तो उसको आर्मी के रोल मॉडल मिल सकते हैं। लेकिन ये बड़ा आवश्यक है कि रोल मॉडल पसंद करने के पहले एक बहुत सारे विषयों का हम अध्ययन करें और देखें कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। यदि आपका मूल स्वभाव पैसा कमाने वाला है तो अंबानी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपको सत्ता चाहिए, आपको राजनीति में जाना है, तो अंबानी आपके रोल मॉडल नहीं होंगे, कोई और होंगे। तो जिस दिशा में आपकी रुचि है उस दिशा में यदि आपने रोल मॉडल बनाया और फिर देखा कि उन्होंने क्या अच्छा किया, कहाँ उन्होंने गलतियाँ की और अपने आप को सुधारते गए, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। आई थिंक नो डाउट व्हाट एन एक्सलेंट दमदार पंच बाय डॉक्टर सतीश मोर इन मेकिंग अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रोल मॉडल एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। आपको उसको आइडेंटिफाई करके उस मार्ग दिशा पर आपको चलना चाहिए। यही है टी टॉक चैनल लाइक, जहाँ पे एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर सतीश मोद कम्स एंड शेयर हिज लाइफ जर्नी, हिज एक्सपीरियंस एंड कनेक्ट्स टू एन टारगेट ऑडियंस। आई एम श्योर लाइक इट्स देर इज अ सीरीज ऑफ एन दमदार पंच व्हाट वी आर हैविंग एक्सक्लूसिवली ऑन टी टॉक विद डॉक्टर सतीश मोद। कीप ऑन वॉचिंग www.tiktok.net, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एज मच एज यू कैन। कैच अप विद डॉक्टर सतीश मोद ऑन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बुन सोच की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।